अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं मोहम्मद इफ्तिखार आप तमाम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। आज मैं आप तमाम का इस ऑनलाइन क्लास के अंदर इस्तकबाल करता हूँ। इंशाअल्लाह आज हम हमारा इर्तिका माहौल का मुताला हिस्सा दुआम जमात पाँचवीं, इसका पहला लेसन, पहला सबक तारीख किसे कहते हैं, इसकी स्टडी करेंगे। और उम्मीद है कि आप बखूबी इस वीडियो को देखकर ये तमाम लेसन समझने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तारीख किसे कहते हैं सवाल है, तो तारीख जितने भी तमाम माजी के अंदर जो ज़माना गुज़र चुका उसके अंदर जितने वाकियात हुए, जितने वाकियात रोनुमा हुए, उसी को तारीख कहते हैं। माजी के अंदर होने वाले वाकियात को तारीख कहा जाता है। ये तारीख की डेफिनेशन है, तारीफ है। अब सबसे पहले पॉइंट इसके अंदर है एक आश्चर्य, एक ज़माने माजी का इल्म देने वाला साइंस। हमने गुज़िश्ता जमात यानी कि चहारुम के अंदर शिवाजी छत्रपति महाराज की ज़िंदगी के हालात के बारे में मुकम्मल आप लोगों ने पढ़ाई की। शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का ज़माना यानी आज से तकरीबन 400 साल पहले का ज़माना, उसे हम 400 साल पुराना या 400 साल पहले का गुज़रा हुआ ज़माना कह सकते हैं। जो भी ज़माना गुज़र चुका आप बखूबी जानते हैं उसको ज़माने माजी कहा जाता है। हम अपने मामलात में सहूलत के लिए ज़माने की मुख्तलिफ तरीक़ों से तकसीम करते हैं। अभी कुछ वक्त पहले, कुछ देर बाद, या आज कल, गुज़रा हुआ कल, आने वाला, या इस साल, आइंदा साल वगैरह लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। गोया गैर महसूस तरीके से अपने दिल में ज़माने का शुमार करते हैं, यानी कि उसको गिना जाता है, नापा जाता है। अभी, आज, इस साल वगैरह लफ्ज़ों के इस्तेमाल से जहन में आने वाला ज़माना ज़माने हाल होता है। कुछ देर पहले, कल, गुज़रा हुआ, गुज़िश्ता साल वगैरह अल्फाज ज़माने माजी को ज़ाहिर करते हैं या करते हैं। थोड़ी देर बाद कल, आने वाला, आइंदा साल लफ्ज़ों से हमारे जहन के अंदर आने वाला फ्यूचर मुस्तकबिल का ख्याल आता है। जो गुज़रा हुआ लम्हा है उसको ज़माने माजी कहा जाता है, जारी को ज़माने हाल कहते हैं, और आने वाला वक्त मुस्तकबिल उसको ज़माने मुस्तकबिल कहा जाता है। ज़माने माजी में कई वाक़यात हो चुके होते हैं। मसलन आज आपकी उम्र 10 साल है, इसका मतलब ये हुआ कि आज से आपकी पैदाइश का वाकिया माजी में 10 साल पहले हुआ था। इसी तरह 10 साल बाद यानी ज़माने मुस्तकबिल में आपकी उम्र 20 साल होगी। अपनी पैदाइश से लेकर आज तक यानी गुज़रा हुआ ज़माना उस शख्स की ज़िंदगी का ज़माने माजी है। ये तमाम चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी कि हमने ज़माने के मामलात को सहूलत पैदा करने के लिए ज़माने को तकसीम किया गया और उसको देखा गया। आप तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं कि आप जिस वक्त पैदा हुए थे और वो ज़माना माजी था, आज आप 5th क्लास में हैं, आप 10 साल के हैं, ये ज़माने हाल है, और आने वाले मुस्तकबिल के अंदर आप 20 साल के हो जाएंगे, वो आपका मुस्तकबिल होगा ज़माने। अब पेज नंबर 2 देखना है हमें कि ज़माने माजी में होने वाले वाक़यात को समझ लेने के साइंस को तारीख कहते हैं। ये डेफिनेशन, ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी है कि ज़माने माजी में जितने वाक़यात को आपने समझा, समझ लिया गया, उसको साइंस को तारीख कहते हैं। क्योंकि तारीख यूं ही नहीं लिखी जाती, बल्कि उसको बार बार परखा जाता है, कसूटियों पर जांचा जाता है, उसकी कड़ियाँ मिलाई जाती है, और उसके लिए साइंसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए तारीख को भी
साइंस तारीख का साइंसी तरीका उसको कहते हैं। तारीख सिर्फ ख्याली बुनियाद पर नहीं लिखी जाती बल्कि उसको जांचा परखा जाता है, उसकी तहकीक की जाती है, उसी के बाद तारीख लिखी जाती है। अब अगला एक आश्चर्य दो, अब अगला एक आश्चर्य दो पॉइंट है तारीख का साइंसी तरीका। तीसरी और चौथी जमात में मज़मून माहौल का मुताला की किताबों में हम अलग अलग साइंस से मुतारफ हो चुके हैं, यानी कि आप अलग अलग साइंस के बारे में जान चुके हैं, आपकी उससे शनासाई है, आप उससे आशना हैं, आप उसके बारे में जानते हैं अलग अलग साइंस के। किसी भी सबूत को अमलन तजुर्बात की कसौटी पर बार बार परखा जा सकना इन तमाम साइंसों की खसूसियत है। हर सबूत को मुख्तलिफ कसौटियों पर परखने के बाद उन पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं, उसे तय करने के तरीके को साइंसी तरीका कहते हैं। किसी भी चीज़ को बार बार परखा जा सकता है, फिर उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, उसे तय करने के तरीके को ही साइंसी तरीका कहते हैं। आगे देखते हैं, हमारी पैदाइश के बाद की बहुत सी बातें हमें मालूम नहीं होती, लेकिन दादा दादी माँ बाप वगैरह हमें अपने बचपन की बहुत सी मज़ेदार बातें सुनाते रहते हैं। ये बातें उनकी याददाश्त में होती है। जब किसी एक बात को मुख्तलिफ अशखास अपनी याददाश्त की बुनियाद पर सुनाते हैं तब उनके बयान में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। ऐसी हालत में हमारे सामने ये सवाल पैदा होता है कि बिल्कुल सही क्या है। ये तय करने के लिए कही गई बातों की बारीक बीनी से छानबीन करना होता है। जैसा जब आप छोटे थे, अब आपके साथ कोई एक वाकया पेश आया, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर आप गिर चुके थे, आपको चोट आ चुकी थी सर में बोलो हाथ में, जिसका निशान बाकी था। जब आप थोड़े बड़े हुए, आपने फिर घर के बड़ों से पूछा कि ये चोट मुझे किस तरह लगी थी, तो आपको अलग अलग लोग वो बात बयान करेंगे कि आप फला जगह पर गिर चुके थे। अगर आपको फिर इस पर भी यकीन नहीं है तो आप फिर अपने दादा जान से पूछेंगे, दादी जान से पूछेंगे, आपके अब्बू जान से पूछेंगे, अम्मी जान से पूछेंगे। अगर आपके सामने चारों ही की बात बयान कर दे कि आप यहाँ पर गिर चुके थे और आपको चोट लग चुकी थी, तो आपने क्या किया, ये बारीक बीनी के साथ छानबीन की, उसको उसकी जांच पड़ताल की, फिर आपको यकीन हो गया कि नहीं, मैं बचपन के अंदर यहाँ गिरने की वजह से मुझे ये चोट आई थी। तो कुछ बातें अपने बड़ों से भी हमें सीखने को मिलती है। माजी में होने वाले वाक़यात को ठीक उसी तरह वजूद में लाने का तजुर्बा करना मुमकिन नहीं है, इसलिए तारीख को पेश करने का तरीका दूसरे साइंसी उलूम से मुख्तलिफ होता है। चुनांचा उनके सबूत तलाश करने, जांच पड़ताल करने और उनकी कड़ियां जोड़ने के लिए साइंसी तरीका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, तारीख को लिखने के लिए जो साइंसी तरीका का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि साइंस हर चीज़ को रिसर्च करती है, जांचती है, तमाम चीज़ें करती है और उसके बाद ही वो तमाम चीज़ें लिखी जाती है। इस मकसद के लिए ज़रूरत पड़ने पर दूसरे साइंसों की मदद ली जाती है। इन तमाम बातों पर गौर करने के बाद कहा जा सकता है कि तारीख एक साइंस है। तारीख सिर्फ ख्याली बुनियाद पर नहीं लिखी जाती, पहले तारीख लिखने से पहले उसकी साइंसी तरीकों के ऊपर जांच की जाती है, पड़ताल की जाती है, कड़ियाँ जोड़ी जाती है, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि तारीख एक साइंस है। तारीख सिर्फ ख्याली बुनियाद पर नहीं लिखी गई कि किसके भी मन में जो ख्याल आ जाए जहन में वो तारीख लिख दे, ऐसा नहीं है, बल्कि तारीख को लिखने के लिए तमाम साइंसी सबूत परखना, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी है, उसके बाद ही तारीख लिखी जाती है। तारीख सिर्फ ख्याली बुनियाद पर नहीं लिखी जाती। अब आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ बर्तन, तांबे की तख्ती पर लिखी हुई तहरीर, ये तमाम चीज़ें दिखाई दे रही है, ये तारीख के
माखज़ है। तारीख के माखज़ तीन किस्म के होते हैं, तबई माखज़, ज़बानी माखज़ और तहरीरी माखज़। ये तीन तरह के माखज़ होते हैं। अब इससे भी हमको तारीख का अंदाज़ा होता है कि कब कौन से दौर के सिक्के हैं, कौन से दौर के अंदर ये तांबे की तख्ती लिखी हुई थी। आगे इंशाल्लाह आएगा कार्बन 14 का तरीका, जिसके ज़रिए से हम कई साल पुरानी चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये तारीख के माखज़ात है, यानी कि तारीख के ज़राए है, इसके ज़रिए भी हमें तारीख की मालूमात हासिल होती है। इन ज़राए से मिलने वाले सबूतों की मदद से ये तलाश किया जाता है कि माजी में ठीक ठीक क्या हुआ और कैसे हुआ। इन सबूतों का सही या गलत होना भी अच्छी तरह से जांचा परखा जाता है। कसौटी पर खड़े उतरने वाले सबूतों की बुनियाद पर माजी के वाकयात को तरतीबवार जोड़कर पेश किया जाता है। इसी को साइंसी तरीका कहते हैं। उम्मीद है अब आपके ये तमाम चीज़ें यहाँ तक हमने जो समझाया वो समझ में आ चुकी होगी। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो के अंदर हम तारीख और हम इसका मुताला करेंगे। जाने से पहले हमारे इस रहबर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको गौर से सुने और याद करने की कोशिश करें, सवालात के जवाब ढूंढ कर लिखने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।